नमस्कार, मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ यशि शुक्ला। दिल्ली की हवा में एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर दिखने लगा है। प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण दिल्ली में ग्राफ 3 लगा दिया गया है, जिससे दिल्ली प्रदूषण के बढ़ते स्तर को रोका जा सके। हालांकि क्रिसमस और नए साल के मौके पर क्या प्रदूषण से राहत मिल पाएगी या नहीं, आइए जानते हैं। हवा में एक बार फिर से प्रदूषण ने अपना जहर घोलना शुरू कर दिया है, जिसके कारण राजधानी का AQI मध्यम श्रेणी से गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। शुक्रवार को तेजी से बढ़े AQI ग्राफ के बाद दिल्ली में ग्राफ 3 भी लगा दिया गया है। आज दिन की भी शुरुआत प्रदूषण के साथ ही फॉग के साथ हुई। अगर पूरी दिल्ली के ओवरऑल प्रदूषण को देखा जाए तो वो 400 के पार पहुँच गया है, जिसके कारण एक बार फिर से खुले में सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण का स्तर नहीं रुका तो जल्द ही राजधानी में ग्राफ 4 लग जाएगा। बता दें कि अभी सुबह 9 बजे दिल्ली का AQI 447 है। अगर वो 4 पॉइंट और बढ़ा तो नियमानुसार ग्राफ के सबसे सख्त कदम ग्राफ 4 को आज लगाया जा सकता है। पूर्वानुमान के अनुसार 24 और 25 दिसंबर को दिल्ली प्रदूषण बेहद खराब स्तर पर रहेगा। इसके बाद अगले 6 दिनों तक यह बेहद खराब से खराब स्तर पर पहुंच सकता है। इस दौरान बारिश की वजह से प्रदूषण में थोड़ा सुधार आ सकता है। शुक्रवार को हवा की रफ्तार महज 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रही। अब 23 दिसंबर को हवाओं की रफ्तार 4 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रहेगी, रात के समय या और कमजोर हो जाएगी। 24 दिसंबर को हवाओं की रफ्तार 4 से 8 किलोमीटर और 25 दिसंबर को महज 6 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। दिल्ली एक तरफ प्रदूषण की मार झेल रही है तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का भी असर राजधानी में दिखने लगा है। दिल्ली में तापमान तेजी से नीचे गिर रहा है। आज भी दिल्ली का तापमान सिंगल डिजिट में दर्ज किया गया है। नई दिल्ली के आसपास न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया। ऐसे में अब दिल्ली वाले प्रदूषण के साथ ही ठंड से भी लड़ रहे हैं। बता दें कि शुक्रवार को मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान लगाया था। हालांकि दिल्ली में आसमान में बादल तो आए थे, लेकिन बूंदाबांदी नहीं हुई। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताता है कि दिल्ली के क्या हाल है। AQI 447 लग सकता है ग्राफ 4। प्रवेश शर्मा, मुनेंद्र शर्मा, राजू शर्मा, अनिल मीना संवाददाता बुलंदशहर से, प्रवेश दिल्ली से, मुनेंद्र नोएडा से, राजू शर्मा मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले अगर हम प्रवेश दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की आबो हवा फिर से खराब हो गई है, और सबसे बड़ा तो ये पॉइंट है। अब ये जानने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए कि आखिर क्यों इस तरीके से दिल्ली में हवा जो है वो प्रदूषित होती जा रही है, क्या कारण है, किस ओर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि इस समय ना तो दिवाली है ना ही पराली जलाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली की जो हवा है वो जहरीली है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, और बिल्कुल आपने सही कहा कि इस पे सरकार को मंथन करना चाहिए, देखना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि लगातार दिल्ली वासियों को कहीं ना कहीं ये जहरीली हवा उनको एक सांस से संबंधित बीमारी की ओर धकेलती है, और ये सबसे बड़ी चिंता का विषय भी है। दूसरी बड़ी बात मैं बता दूं कि दिल्ली का जो AQI लेवल की बात करें वो आज भी 400 से ज्यादा है। कहीं ना कहीं
ये जो हवा है ये दिल्ली वासियों के लिए खतरनाक है। और दूसरी जो बात यह है कि दिल्ली में ग्रह फ्री लागू कर दिया गया है, जिसमें कई प्रकार के निर्माण, तोड़फोड़ और बी एस थ्री पेट्रोल इंजन और बी एस फोर डीजल इंजन पर रोक लगा दी है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी दिल्ली की हवा साफ नहीं हो रही है, तो ये अपने आप एक चिंता का विषय है, बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे ज्यादा सरकार को इस पे जो है ना सोचने और विचार करने की सख्त जरूरत है। जी बिल्कुल, वापस आएंगे प्रवेश आपके पास। और मुनेंद्र हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं। मुनेंद्र, अगर हम नोएडा की बात करें तो नोएडा में क्या कुछ फिलहाल अपडेट है, कितना AQI चल रहा है और इस ओर प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, इसके लिए सरकार क्या करे? बिल्कुल, ऐसी बात करना चाहूंगा। अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा और दिल्ली में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो प्रदूषण का स्तर दिल्ली में है वही स्तर नोएडा में है। 320-380 के बीच का AQI लगातार रिकॉर्ड किया जा रहा है, जगह जगह पर अलग अलग AQI, क्योंकि कुछ क्षेत्र ग्रामीण है कुछ शहरी क्षेत्र है, लेकिन फिर भी जो AQI का लेवल लगातार इंक्रीज हो रहा है। लगातार जो ना गवर्नमेंट कभी जो स्मोक गन है उनका छिड़काव कर रही है, लेकिन ये सारे के सारे जो मतलब उपाय हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा एक कहावत है यूपी में, उसी कहावत के तौर पे ये सारे के सारे बेसिकली उपाय आज की डेट में लग रहे हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं कारगर साबित हो रही है जिससे कि लगे कि इस प्रदूषण पे नियंत्रण पाया जाए या इसको AQI को और अच्छा किया जाए। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। और जयवीर मावी भी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं, कुलदीप पंडित बागपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले राजू शर्मा, मेरठ की अगर हम बात करें, राजू तो मेरठ में भी प्रदूषण काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं कम नहीं हो रहा, यूपी में सबसे ज्यादा प्रदूषित मेरठ ही रहा इससे पहले भी, तो मेरठ में क्या वजह निकल कर सामने आ रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए इसकी आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरठ प्रदूषण में लगातार अपना नंबर वन जो स्थान है वो बनाए हुए है। दिल्ली NCR के साथ साथ मेरठ में भी प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि जो तमाम अधिकारी है वो जब मीडिया में खबरें प्रकाशित होती है चलती है तो सतर्क हो जाते हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करते हैं कि प्रदूषण को रोका जाए फैलने से, लेकिन जैसे ही मीडिया ये खबरें चलाना बंद कर देता है उसी तरह से फिर अधिकारी भी ठंडे बस्ते में जाकर बैठ जाते हैं, यानी कि अपने कमरों में, ऑफिसों में, कार्यालयों में जाकर बैठ जाते हैं और तमाम जो दिशा निर्देश दिए गए थे उनको बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। तो अब फिर जिस तरीके से मीडिया ने खबरें उठाई है प्रदूषण के लगातार बढ़ते स्तर को दिखाया गया है, तो अब कहीं ना कहीं जो अधिकारी है वो सतर्क होने वाले हैं, दिशा निर्देश जारी करेंगे, लेकिन जो सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए प्रदूषण फैलाने वाले लोगों पर या औद्योगिक इकाइयों पर, उन पर कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। हालांकि बीते दिनों मेरठ के दो होटलों पर भी जुर्माना लगाया गया था और एक प्रदूषण फैलाने वाली एक फैक्ट्री थी उस पर भी 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था, लेकिन जो प्रदूषण का स्तर कम होना चाहिए था वो फिलहाल कम होने को तैयार नहीं है, लगातार प्रदूषण मेरठ में भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है राजू, वापस आएंगे आपके पास। अनिल मेड़ा बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, अगर हम बुलंदशहर की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ AQI का हाल है, साथ ही साथ किस तरीके से इस पर काम किया जा रहा है, कैसे प्रदूषण को कंट्रोल में किया जाएगा? बुलंदशहर में अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों ने आंखों पर पूरी तरह से पट्टी बांध रखी है अपने जनपद बुलंदशहर में भी। AQI की अगर बात की जाए तो दिल्ली NCR का क्षेत्र है और दिल्ली NCR में जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो उसको लेकर बुलंदशहर में भी पॉल्यूशन की जो स्थिति है 320 से लेकर 340 तक के करीब AQI है। लेकिन अगर बात की अधिकारियों की तो अधिकारियों ने पूरी तरह से आंखों पर पट्टी बांधे, नहीं तो किसी तरह के नगर पालिकाओं के द्वारा कोई तरह का छिड़काव किया जा रहा है, नहीं किसी जो जो फैक्ट्री है लगातार जो धुआं फेंक रही है उन पर कोई अंकुश लगाया जा रहा है, नहीं अभी DM के द्वारा किसी तरह की कोई सख्ती बरती जा रही है। अगर बात की जाए नगर पालिकाओं की, नगर पालिकाओं में भी कहीं ना कहीं ढीला कोताही बरती जा रही है, क्योंकि जो लगातार जो भट्टियां चल रही है जो पॉल्यूशन फैला रही है वो कहीं ना कहीं लोगों के साथ को कहीं ना कहीं जिस तरह से सांस के जो लोग हैं उनके लिए काफी दुखदायी साबित हो रही है। ठीक है, मेरे साथ यहाँ काफी लोग मौजूद हैं जिनको अगर बात की जाए तो उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है दादा? मेरा नाम सुनील कुमार है जी। अच्छा, पॉल्यूशन को लेकर किस तरह की समस्या सामने आ रही है, किस तरह का माहौल है? पॉल्यूशन के साथ सबसे बड़ी बात आ रही है आंखों में जलन हो रही है और जो भट्टियां चल रही है और ये कचरे वाली जो फैक्ट्रियां हैं पिन्नी पॉलिथीन जो जला रही है इससे काफी धुआं निकल रहा है और कोई भी प्रशासन का अंकुश नहीं है इस तरह पर। वाहनों के जो डीजल वाहन है इनके साइलेंसर धुआं निकल रहा है, जबरदस्त इससे जो परेशानी हो रही है आम जनमानस को।
देखिए हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनका भी कहना ये, अगर बात की जाए, देखिए चौराहे की, हम चौराहे में मौजूद हैं, तो भट्टियों की भी बात की जाए तो देखिए अगर यहाँ बात की जाए तो कुछ भट्टियां ऐसी हैं जो यहाँ लोग देखिए एक तरह से ये एक भट्टी ये है और सामने एक दूसरी तरफ वो भट्टी चल रही है जो लगातार जिस तरह से उसमें कोई ना कोई भट्टी पे जिस तरह से मोपड़ी जो भूनी जा रही है तो उसमें से जो धुआं निकल रहा है, जो रेता निकल रहा है वो लोगों की सांसों पर जिस तरह से जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक अटैक कर रहा है और अटैक करने में लोगों को सांस लेने में कहीं ना कहीं काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए अगर बात की जाए तो तमाम जो पुलिसकर्मी है, पुलिसकर्मियों ने भी लाख कोशिश की है, शिकायत की अपने अधिकारियों से, लेकिन पुलिसकर्मियों का भी ये मानना ये है कि हमारे कहने के अनुसार ये भट्टियां हैं बंद नहीं हो पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये पहासू नगर पंचायत, नगर पंचायत की बात की जाए तो यहाँ के जो बता रहे हैं स्थानीय जो चेयरमैन है उनका कहना है, उनके द्वारा ये भट्टियां लगवाई गई है। और जबकि ईओ की जो बात की जाए तो ईओ का कहना यह है कि हमने भट्टियां हटवा दी थी, लेकिन जुर्माना भी अभी तक उन्होंने कोई भी वसूला नहीं गया है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जिस तरह से ये भट्टियां चल रही है और जो यहाँ लगातार काफी तादाद में पूरे दिन यहाँ हजारों की तादाद में लोग निकलते हैं तो जिस तरह से वो भट्टियों से जो धुआं निकलता है और धुआं निकलने के साथ जिस तरह से वो सांसों में जाता है तो कहीं ना कहीं जो सांस के लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए अगर बात की जाए धुआं की, जो जिस तरह से धुआं से, और देखिए एक दादा मौजूद है इनसे भी बात करते हैं, दादा पॉल्यूशन को लेकर क्या कहेंगे और जिस तरह से ये जो धुआं निकलता है उसको लेकर किस तरह की परेशानी आती है दादा? जिस तरह से चौराहे पर ये भट्टियां लगी हुई हैं और यहाँ काफी लोग आते हैं, बच्चे भी आते हैं, स्टूडेंट भी आते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं समस्या का सामना करना पड़ता है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अच्छा बंद होनी चाहिए ना। देखिए लोगों का बिल्कुल मानना यही है कि जो भट्टियां जो चौराहे पर जो लगाई गई हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही गैर कानूनी है, क्योंकि लगातार यहाँ जो मासूम बच्चे हैं वो भी यहाँ आते होकर गुजरते हैं, जो स्टूडेंट है वो भी गुजरते हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो अधिकारी है, जो यहाँ नगर पालिका की जो ईओ है वो भी पूरी तरह से आंखों पर पट्टी बांधे, कर्मचारियों की बात की है, वो चाहे एसडीएम हो या डीएम हो, पूरी तरह से जब तक इन पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा तो जब तक जो पॉल्यूशन लगातार बुलंदशहर में जिस तरह से बढ़ रहा है तो वहाँ पॉल्यूशन को नहीं रोका जा पाता, क्योंकि लगातार इस तरह की जो भट्टियां निकल रही है इनसे जो काला जो धुआं निकलता है, जहरीला जो धुआं निकलता है वो लोगों की सांसों में जाता है और सांसों में जाने के बाद में और जिस तरह से लोगों की जो घुटन होती है, सांस फूलती है, उससे लोगों में काफी बीमारी का डर रहता है और यही समस्या लोगों को यहाँ दुखदायी बनी है। लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं और जब तक प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे तो इन पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा, इसलिए जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसको लेकर प्रशासन के लिए सख्ती बरतनी होगी और इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। जी ठीक है, वापस आएंगे अनिल आपके पास। जयवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयवीर, गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर AQI क्या है और कैसे प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए अब काम किया जा रहा है और क्या कुछ इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इसको लेकर नगर पालिका भी किस तरीके से अपनी सहभागिता निभा रही है? अनम्यूट कीजिएगा। देखिए ऐसी दिल्ली से सटा हुआ एरिया है गाजियाबाद, और गाजियाबाद में अगर हम प्रदूषण की बात करें तो बहुत खराब हालात हैं। चाहे लोनी नगर पालिका जो सबसे ज्यादा AQI सिस्टम जिसका खराब रहा, यहाँ पर नगर पालिका ने जिस तरह आंकड़ों के साथ खेल किया, आंकड़ों के साथ जो खेल खेला था और अधिकारियों को भी गुमराह किया था। हालांकि अब जो पानी का छिड़काव था जो AQI मशीन के आसपास किया जाता था वो फिलहाल तो बंद है, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो लोनी के उप जिलाधिकारी हैं जो उनका आवास है उस आवास के आसपास भी सैकड़ों की संख्या में बड़ी तादाद पर जींस रगाई की फैक्ट्रियां चलती हैं, अवैध प्रदूषणकारी इकाइयां चलती हैं और जो प्रदूषणकारी जो फैलाने वाली जो इकाई है जो उनका ईवेस्ट होता है उसको माफिया, एक तरह से मैं कहूंगा उन लोगों को, वो माफिया सड़कों पर फेंक जाते हैं, रात के समय उनमें आग लगा दी जाती है जिसके कारण आसपास के जो लोग हैं उनको सांस ले दुभर हो रहा है, तमाम तरह की समस्याएं चाहे वो जुखाम की हो, खांसी की हो या फिर गले में खराश की हो, ऐसी तमाम समस्याएं आम लोगों के सामने आ रही है। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं पूरी तरह से आंखें बंद किए हुए बैठे हैं, उन्हें इस लोगों की समस्या से कोई वास्ता नजर नहीं आ रहा है। जिलाधिकारी की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले ही गाजियाबाद को, लोनी नगर पालिका को एक नंबर पर दिखाया गया था कि यहां पर नंबर पर है, जो प्रदूषण है वो कम है, लेकिन लगातार जिस तरह से जो प्रदूषण का जो आंकड़ा बढ़ रहा है कहीं ना कहीं आम जनजीवन इससे प्रभावित हो रहा है, जो बच्चे हों या फिर बुजुर्ग हों उनमें बीमारी का इजाफा हो रहा है। ऐसे में एक बार फिर जब कोरोना ने दस्तक दे दी है तो इस जो प्रदूषण की जो समस्या है इस पर जिलाधिकारी या प्रशासनिक अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए कि जो आम लोग हैं कहीं इस बीमारी के साथ साथ जो कोरोना जैसी महामारी है उसकी लपेट में ना जाए, क्योंकि कोरोना की जो बीमारी है वो भी प्रदूषण और धूल से प्रभावित होती है और लोगों को समस्या होती है। सड़कों की बात करें तो सड़कों पर के गुब्बार उड़ते हुए नजर आते हैं और जो गलियां हैं वहां पर तमाम जगह पर गंदगी और धूल के अंबार हैं जिसके कारण समस्याएं बढ़ रही हैं और जो प्रदूषण का स्तर है एक बार फिर बढ़ा है उसका कारण यही है
कि इस बार जब लगातार हमारे यहाँ पर खबरें चलाई गई थी, के न्यूज ने भी प्रमुखता से दिखाया था कि जो लोनी नगर पालिका कार्यालय जहाँ पर नापने की जो मशीन है जो प्रदूषण विभाग की तरफ से लगाई गई थी, उस मशीन पर ही छिड़काव करके जो प्रदूषण था उसको कम दिखाए जाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन जब के न्यूज पर खबर चली, सोशल मीडिया पर खबर चलने के बाद वो मशीन तो कम कर दी है। हालांकि सड़कों पर अब कुछ जगह पर जो शहरी क्षेत्र है वहां पर पानी का छिड़काव तो है, लेकिन जो देहात क्षेत्र की हम बात करें, जो लोकल हम इस क्षेत्रों की बात करते हैं, वहां पर समस्याएं जस की तस हैं। धूल मिट्टी, प्रदूषणकारी इकाइयां, फैक्ट्रियां और रात के समय ईवेस्ट में आग लगा देना, कहीं कहीं तो दिन में भी जो ऐसी इकाइयां हैं जो प्रदूषण फैलाती है उनके जो ईवेस्ट होता है उसमें आग लगा दी जाती है, ताकि छीलने की तमाम ऐसी फैक्ट्रियां यहाँ पर चल रही, तो कहीं ना कहीं तो गाजियाबाद में अगर हम प्रदूषण की बात करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण को लेकर अवैध इकाइयां हैं और उसके अलावा। जयवीर वापस आएंगे आपके पास और आगे इस पर बातचीत करेंगे, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। आज हम बात कर रहे हैं प्रदूषण की, जहां पर दिल्ली में एक बार फिर आबोहवा जो है वो प्रदूषित होने लगी है। कैसे इस प्रदूषण पर नियंत्रण होगा ये देखना होगा। फिलहाल अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं, कुलदीप पंडित बागपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, बागपत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर AQI क्या है, साथ ही साथ कैसे कंट्रोल किया जाए पोल्यूशन, इसके लिए किस तरीके से काम किया जा रहा है? जी, आपको बता दूं, बागपत के जो बागपत जो जनपद है वो दिल्ली के बिल्कुल सटा हुआ है, दिल्ली के नजदीक है। और हालांकि जहां दिल्ली के अंदर जो फैक्ट्रियां थी उन सब फैक्ट्रियों को बाहर निकाला गया था और वो तमाम फैक्ट्रियां यहां पर बागपत के अंदर जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर बनी हुई है। हालांकि NGT ने काफी सख्त निर्देश दिए हैं प्रदूषण को नियंत्रण रखने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से जो NGT पूरे जितने भी उसके नियम थे उनके सब नियमों की यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही है। कुल मिलाकर यहाँ पर भट्टा क्षेत्र इसको माना जाता है, बागपत को भट्टा यहाँ पर काफी संख्या में लगे हुए हैं। जो भट्टों से भी प्रदूषण जो निकलता है वो कहीं ना कहीं हवा को दूषित करता है और दम घोटू जो हवा यहाँ पर फैल रही है उससे कहीं ना कहीं भयंकर बीमारियां फैलने की भी आशंका बनी हुई है। हालांकि जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने इसमें गहनता से इसकी जांच कराने के लिए टीम का गठन किया है और प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए भी कहीं ना कहीं प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर है ये बता दूं कि जैसे यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एरिया है या फिर भट्टी का संचालन किया जाता है या फिर यहाँ पर कोल्लू का जो संचालन होता है, क्योंकि यह किसान क्षेत्र है और जाट बाल्ट क्षेत्र इसको माना जाता है, गन्ने की बेल्ट भी इसको बागपत को कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर है कि जिस तरह से यहाँ पर जो भट्टों का संचालन किया जा रहा है उससे जो हवा दूषित निकल रही है वो कहीं ना कहीं बहुत नुकसानदायक है और कहीं ना कहीं जानलेवा भी बन रही है। जी ठीक है, प्रवेश को रुक कर लेते हैं। प्रवेश दिल्ली की बात करें तो ग्राफ 4 लगाने की बात कही जा रही है, ग्राफ 4 क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ग्राफ 3 तो दिल्ली में लागू हो गया, लेकिन ग्राफ 4 में और अधिक जो है मैं ये कहूंगा कि पाबंदियां बढ़ जाती है। सबसे बड़ी बात है कि अभी तो निर्माण कार्यों में रोक लगी है। प्रवेश, देखिए सवाल शुरुआत में था कि आखिर आप जानते हैं दिवाली नहीं है, पराली नहीं जल रही है, कुछ हो नहीं रहा है, इसके बाद ये प्रदूषण बढ़ कैसे रहा है, मंथन इस पर ना करने के बजाय गैप 3 लागू करना, ग्राफ 4 लागू करना, ये कितना सही है? और इतनी पाबंदियां बढ़ाई जरूर जा रही हैं, लेकिन मंथन तो नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए मैं वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि दिवाली पे पटाखे फूटे थे, पॉल्यूशन समझ में आ रहा था, पराली जल रही थी तो उसका धुआं आ रहा था, समझ में आ रहा था, लेकिन अब ना दिवाली है ना पराली है, लेकिन पॉल्यूशन तो उसका तस लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल मैं आपको बता दूं, दिल्ली सरकार के मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पर एक बड़ा ही गंभीर आरोप लगाया, या मैं कहूँ हैरान करने वाला आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनको एक डाटा मिला है कि जब लोग सर्दियों में आग जलाकर हाथ ताते हैं, विशेष तौर पर उन्होंने बात की जो सुरक्षा गार्ड होते हैं या नौकरी कर रहे होते हैं, तो अपने आप को ठंड से बचाव करने के लिए वो आग जला लेते हैं, उससे भी दिल्ली में प्रदूषण होता है, ऐसा आतिशी ने खुद कॉन्फ्रेंस कर साफ तौर पर बोला। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप पे हैरान करने वाली बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में नहीं पूरे देश में अमूमन देखा जाता है कि जब सर्दी आ जाती है तो लोग आग जलाकर मुझे लगता है कई सालों से हाथ ताप रहे हैं, उससे बचाव कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जो पॉल्यूशन का स्तर है वो आतिशी का कहना है, दिल्ली सरकार की मंत्री है उनका कहना है कि उसमें आंकड़ा आया है कि लोग जब हाथ जलाते हैं हाथ तापते हैं तो उससे धुआं होता है, उससे भी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है। और अभी हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि कहीं ना कहीं भट्टी जलती है तो उससे पॉल्यूशन बढ़ता है, तो ये अपने आप में दोनों आंकड़े जो है या विशेष तौर पर मैं बात करूं हैरान करने वाले। लेकिन दिल्ली में अमूमन राजनीति पॉल्यूशन को लेकर होती है, आरोप लगाए जाते थे
दिवाली के पटाखे और पराली, लेकिन अब दोनों ही नहीं है, फिर भी पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार को मंथन करने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है कि दिल्ली के लोग आखिरकार साफ हवा कब ले पाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल प्रवेश, राजू का रुख कर लेते हैं। राजू देखिए, मेरठ भी, मेरठ में अगर हम बात करें तो ये यूपी का सबसे ज्यादा पोल्यूटेड जिला है मेरठ, और यहाँ पर अब जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है, पटाखे नहीं है, परालियां नहीं है, रीजन क्या इसको लेकर अभी तक कुछ बातचीत की गई है, इस पर कुछ मंथन किया गया है? हाँ बिल्कुल, देखिए पराली नहीं जलाई जा रही, पटाखों पर भी प्रतिबंध है, और अब कोई ऐसा त्योहार भी नहीं है जिस पर पटाखे फोड़े जाने वाले हैं। उसके बाद भी प्रदूषण का जो स्तर है लगातार बढ़ता जा रहा है, प्रदूषित मेरठ शहर लगातार बना हुआ है। इसको लेकर तमाम जो अधिकारी है दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं कि प्रदूषण को कम किया जाए। अधीनस्थों को आदेश दिया है कि ग्राउंड पर जाकर वो जांच पड़ताल करे कि आखिर प्रदूषण किस वजह से बढ़ रहा है, लेकिन जो हकीकत है उस पर कोई भी अधिकारी ध्यान देने को तैयार। ठीक है, पोल्यूशन कैसे कंट्रोल होगा, देखिए ये तो देखना होगा, और कहीं ना कहीं नगर पालिका को भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। जगह जगह पर ये जो जिस तरीके से कूड़ा इकट्ठा किया जाता है, जलाया जाता है, देखिए पोल्यूशन का एक कारण ये भी हो सकता है, और इन सब ओर ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं पोल्यूशन को लेकर, जहां पर दिल्ली की आबो हवा एक बार फिर से खराब हो गई है, लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है, ऐसे में सरकार क्या कुछ करती है ये देखना होगा। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।